किसान साथियों, अभी जो हम लोग नई नई वैरायटियों का रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें आज एक और बहुत ही शानदार वैरायटी है, और ये मेरी पांचवी वैरायटी है और आखिरी वैरायटी है जो मैंने अपने खेत में लगाई है। तो आज की इस वैरायटी की हम पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल, और आपके अपने चैनल वर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की जो वैरायटी है वो है JS 2069। बहुत ही शानदार वैरायटी है ये। अब इसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले आपको कुछ पौधे दिखा देता हूं कि जो फराव है। और आप देखें, मैं खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड या मेड़ के साइड खड़ा हूं, तो वहां पर क्या होता है, फराव अलग होता है और खेत के बीच में फराव अलग होता है। तो बिल्कुल मैं खेत के बीचों बीच आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखें, मैं कुछ पौधे आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये मैं थोड़े से पत्ते हटा देता हूं। आप ये देखें इस वैरायटी का फराव, काफी अच्छा फराव है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो फलियों की संख्या हम गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा फलियां लगी हैं। और अगर देखा जाए किसान साथियों, अभी तक का जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, इसमें इंसेक्ट भी कम लगते हैं, फंगस भी काफ़ी कम लगती है। तो इस मतलब अगर कहें कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत अच्छी है। एक विशेष तौर पर किसान साथियों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये वैरायटी उन किसान साथियों के लिए अच्छी रहेगी जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, लंबी बारिश होती है, और जिनके खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, तो वो किसान साथी इस फसल को, इस वैरायटी को बो सकते हैं। आप ये देखें, किसी भी पौधे को देख लें तो आपको एक सा मतलब सेम कंडीशन मिलेगी, अच्छा फराव है, बहुत ही शानदार फराव है। क्योंकि ये जो वैरायटी है लंबे समय की वैरायटी है, लगभग 115 से 120 दिन की है। मतलब हम 4 महीने ही मान के चलें, 4 महीने की वैरायटी है। हाँ, एक चीज़ यह है कि थोड़ा बहुत 5 से 10 दिन का अंतर पड़ जाता है, बारिश ज़्यादा लंबी चलती है तो 120 दिन, अगर बारिश जल्दी खुल जाती है, कम बारिश होती है तो 110 दिन में भी ये कट जाती है। लेकिन वैरायटी थोड़े ज़्यादा समय की है। इसका जो किसान साथियों, मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया था। पिछले साल विषम परिस्थितियों में इसने 8 और 9 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दिया था। इस बार देखते हैं, इस बार भी पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार मौसम अनुकूल है, इस बार लगभग सारी वैरायटियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये तो जब पिछले साल इसने विषम परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस बार भी इसका अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। अभी तक अच्छी दिख रही है। मैंने जो 5 वैरायटी लगाई हैं उनमें सबसे लेट वैरायटी यही है, इसलिए इसकी वीडियो आखिरी में आ रही है। और अभी मतलब ये कहें, आप ये देखें और पौधे देख लें आप, तो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ही एक सफराव है और फलियां बनती जा रही हैं, लगभग बन चुकी हैं फलियां, लगभग इसमें जितनी बननी हैं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। फराव बहुत अच्छा है। तो थोड़ी सी लंबी वैरायटी है। इसके बाद ये तो मेन वैरायटियाँ किसान साथियों, 5 वैरायटी हो गई हैं जो मैंने लगाई हैं, नई वैरायटी, अच्छी वैरायटी। एक थोड़ी सी जगह में मैंने RBS 2014 भी लगाई थी, बहुत कम जगह में लगाई है। मतलब ये मान के चलें कि मैंने 10 किलो बीज ही बोया था उसका, वो पिछले साल कई सालों से मैं उसका उत्पादन ले रहा हूँ, तो इस बार
नई नई वेराइटियाँ लगाने के कारण उसको मैंने कम जगह में बोया था, उसका फराव भी पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। पिछले साल उसका 5 और 6 क्विंटल के करीब उत्पादन आया था, इस बार थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है उससे। तो आप कमेंट करें, अगर आपको RBS की 2014 भी देखना हो तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं शुरू से ही आपको बोलता आया हूं कि मैंने 5 वेराइटी लगाई हैं, तो 5 वेराइटी ये 5वीं वेराइटी है, क्योंकि वो RBS 2014 मैंने कम जगह में लगाई थी, तो इसलिए उस पर उसकी वीडियो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन आप कहेंगे तो उस वेराइटी का भी मैं रिव्यू करूँगा। RBS हम लोग काफ़ी समय RBS 2014 काफ़ी समय से लगा रहे हैं, लगभग 2017 से लगा रहे हैं। अभी तक उसका उत्पादन किसी किसी साल तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जब विषम परिस्थितियों में 5 और 6 क्विंटल प्रति एकड़ भी मतलब कम उत्पादन भी रहा है। तो ऐसा सब कुछ है, अपन मतलब ऐसा नहीं है किसान साथियों कि मैं केवल अच्छे ही अच्छे उत्पादन वाला अगर दिया है तो वो ही दिखाऊंगा, जिसने कम उत्पादन दिया है वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यही सब है किसान साथियों। अब अगर आपको स्पेशल किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करने से उनके मैं आंसर दूंगा, तो उससे हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। बाकी इसमें क्या क्या स्प्रे किए हैं आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो हैं क्या क्या स्प्रे किए गए मैंने, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल भरते एग्रोफार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।